गाइस गुड मॉर्निंग सॉरी हे गाइस गुड इवनिंग और अभी बज रहे हैं रात के 8 और दिवाकर जी कुछ टाइम पहले ही ऑफिस से घर आए हैं। आज ऑफिस से घर आने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लेट हैं क्योंकि शिफ्ट इनकी ख़त्म हो जाती है शाम को 4:30 बजे, बट बहुत लेट आए हैं और इनकी वजह से मेरा बहुत सारा काम रुका हुआ था। जैसे कि अच्छा डुकुर जो है ना अपना कुछ खेल रहा है। हाँ जैसे कि मुझे बहुत सारा सामान लेना है, अभी करवा चौथ का वो लेना है, उसके बाद हमारे यहाँ मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है वो भी लेना है और भी सामान लेना है कुछ मार्केट से, तो हमें मार्केट जाना था जिनके इसके लिए मैं इनका वेट कर रही थी बड़े देर से, बट ये आ ही मतलब बहुत लेट आए हैं इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ एक काम है, एक साड़ी लेनी है वो लेने जा रही हूँ मैं, एक साड़ी के बाद और क्या लेना है मुझे, साड़ी के बाद और जो सामान होता है करवा चौथ का मॉइस्चराइज़र ये सब सामान लेना है। हाँ करवा चौथ का और सामान लेना है। चलो फिर मार्केट चलते हैं और फिर मार्केट में मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लेते हैं हम क्या क्या नहीं लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने कुछ खाने पीने के लिए बना रही थी लेकिन अब जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रखे हुए हैं, आलू उबले हुए हैं, इसका मुझे कुछ बनाना है, कुछ तो बनाना ही है, रुक जाइए। ओके और उसके अलावा मैंने यहाँ पे खाने के लिए दाल भिगो दी है, दाल भिगोई है, दाल बनाऊँगी और रोटी बना दूंगी। तो दाल सब्जी एंड रोटी आज का कुछ ऐसा मेन्यू मैंने प्लान किया है, कुछ ऐसा ही बनाऊंगी। लेकिन दिवाकर कह रहे हैं कि कुछ सैंडविच बना दो, तो आलू उबल रखिए, इसका मैं आके कुछ बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। चलिए फिर फटाफट तैयार हो यार, तो चलो डुग्गू आओ बेटू। सैंडल वहीं पर ये रखिए, सैंडल मैं पहना लेती हूँ और चप्पल वगैरह पहन लेती हूँ, रुक जाओ चलो फिर मार्केट चलते हैं। खा रही हूँ, ये मेरे घर के बिल्कुल बिल्कुल नीचे ही लगती है, तो मुझे कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है छोटी मोटी मार्केटिंग के लिए। मैं मैक्सिमम मार्केटिंग जो है अपनी यहाँ से करती हूँ और इसके अलावा करती हूँ चांदनी चौक से, क्योंकि मुझे चांदनी चौक भी बहुत पसंद है और ये जहाँ मैं रहती हूँ ये जगह भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहीं से मैं सारा सामान खरीदती हूँ। कुछ चूड़ियाँ देख रही हूँ मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ नहीं है, ये सिप की और कांच के कंगन है। यहाँ पे कंगन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ पहले ही, तो कंगन की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे एक साड़ी की दुकान पे गए हैं और यहाँ पे हमने एक साड़ी ली है। साड़ी लेने के बाद उसके बाद जब हम आगे बढ़ गए हैं तो मुझे चूंकि इस बार कुछ मेरा एक जो एक काफ़ी टाइम मैंने एक पहले एक नेकलेस लिया था 3 साल पहले, तो मैं 2 साल से लगातार वही नेकलेस पहन रही थी हर करवा चौथ पे, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं कोई न्यू नेकलेस लूँ। तो उसके लिए हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या सही तैयारियाँ चल रही हैं करवा चौथ की। मीठी मठरी, नमकीन मठरी और दुनिया भर की और चीज़ें बिक रही हैं, मार्केट की रौनक काफ़ी अच्छी लगी हुई है। हालांकि त्योहारों में तो यहाँ पे जगह ही नहीं होती चलने की। ये नेकलेस देखा है मैंने अपने लिए और मैंने एक नहीं यहाँ पे लमसम 11-12 नेकलेस देखे थे, और जो भी नेकलेस देखे थे मैंने सारे ही पहन पहन के देखे थे कि मेरे ऊपर उनका लुक कैसा लग रहा है, ताकि मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँ किसी चीज़ के बारे में तभी मैं वो चीज़ लूँ। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ मेरी, क्योंकि साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ उस पर गोल्ड का वर्क ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर गोल्ड नेकलेस देख रही हूँ गोल्ड वर्क में। तो ये सारे नेकलेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और लेकिन इसमें से मैंने कोई ख़रीदा नहीं है, मैंने ख़रीदा कोई डिफरेंट है वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है, क्योंकि कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए ना, अभी आपको भी लगना चाहिए ना अभी इसने कौन सा लिया है, तो इसलिए मैंने वो अभी यहाँ नहीं दिखाया है। और इसके बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ जो कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये इसे नथ बोलते हैं ना, इसे राधा नथ भी बोलते हैं और नथ भी बोलते हैं, तो ये मेरे को बड़ा शौक लगा था इस बार कि मैं थोड़ा ट्राई करके देखूँ। तो ये मैंने पहन के देखा और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अपने ऊपर, और दिवाकर जी को भी अच्छा नहीं लगा, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फेस पे नथ
शूट नहीं सूट नहीं कर रहा है तुमको। तो मैंने फिर ये नथ नहीं ली, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने लिया है करवा चौथ का यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जो मुझे लेना था, और अभी कुछ बाकी भी है, सब कुछ नहीं लिया है अभी, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद डुगू को हमने खिलाए थे मोमोज, और डुगू ने खाए हैं यहाँ पे मोमोज, और मोमोज जो है वो सिंपल खाता है, चटनी हालांकि रखी हुई है लेकिन वो चटनी खाता नहीं है, सिर्फ सिंपल, जैसे वो अभी दिवाकर जी उसे खिला रहे हैं सिंपल मोमोज खाएगा वो। और मोमोज खाने के बाद उसने खाया है अपनी एक आइसक्रीम, जो कि नॉर्मली बच्चे हर सारे बच्चे खाते हैं, और बड़ा इंजॉय कर रहा है वो आइसक्रीम खाते वक्त, दिवाकर जी उसके साथ खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब फुल टू इंजॉय हो रहा है बाप बेटे का। तो ये देखकर मैं भी थोड़ी सी फ्री हूँ, मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ पीछे की तरफ, मतलब कुछ सामान और लेना था वो सब देख रही थी, सब्जियाँ लेनी थी वो सब लेने के लिए गई थी मैं। उसके बाद डुगू ने आते वक्त फिर से जिद कर दी एक बॉल के लिए, तो वो बॉल दिवाकर उसको दिला रहे हैं, और वैसे भी उसकी पहले वाली बॉल जो थी उसने चक्कू मार के फोड़ दी है, तो उसको नई बॉल चाहिए थी, तो ये नई बॉल हम उसको एक दिला दे रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज जस्ट अभी आई हूँ मैं मार्केट से, और मेरे हाथ में देखो कितना सारा सामान, ओफो ये देखो चारों तरफ से साड़ी है, ज्वेलरीज हैं, सब्जियां हैं, और पनीर है, पनीर चूंकि ख़त्म हो गया था तो पनीर लाना ज़रूरी था, और ये धनिया, पालक, टमाटर, आलू, और ये करवा, और करवा चौथ माता की फोटो, ज्वेलरी, एवरीथिंग। मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या ज्वेलरी ली है और क्या साड़ी ली है, किसके लिए ली है साड़ी मैंने, सब कुछ दिखाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, देन फिर मिलती हूँ। क्योंकि लेट भी हो रहा है, रात में ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और हमें जल्दी सोना है, नहीं तो दिवाकर सुबह ऑफिस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सुबह जैसे कि आप सभी को पता है वो 6:30 बजे निकल जाते हैं। तो दाल बना रही हूँ मैं, मैंने यहाँ पे मिक्स दाल भिगोई थी आज बनाने के लिए, वही मिक्स दाल बना रही हूँ, और दाल के साथ बनाऊंगी मैं सब्जी और रोटी। तो दाल में पानी वानी डाल के इसको फटाफट से मैं रख दूंगी, और मैं दाल में जो है पहले छौंका नहीं लगाती हूँ, छौंक में बाद में लगाती हूँ, सिर्फ दाल में नमक डाल के मैं दाल को उबाल लेती हूँ। इससे होता क्या है कि नमक का मेरा मेजरमेंट भी ठीक रहता है, और साथ ही साथ दाल जल्दी गल भी जाती है, और बाद में जब मैं छौंका लगाती हूँ तो मसाले तब ऐड कर देती हूँ मैं दाल में। तो दाल को मैं चढ़ा दूंगी यहाँ फटाफट से गैस पे, और गैस पे दाल को रखने के बाद मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट सब्जी की तरफ, जो कि मैंने आलू उबाले हुए थे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि आलू उबले हुए रखे हैं, तो सब क्यों ना इनकी मैं आलू टमाटर की सब्जी बना दूं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे आलू छील लिए हैं सारे के सारे एक एक करके, और आलू छीलने के बाद मैं उसको जो है कट कर लूंगी। और आलू हमेशा जब आलू की सब्जी बनाएं आप, स्पेशली उबली हुई आलू की, तो मेक श्योर आपकी आलू जो है वो ठंडी हो चुकी हो तभी आप उसकी सब्जी बनाएं, क्योंकि ठंडी होने के बाद आलू थोड़ी टाइट हो जाती है, तो जब आप उसे आलू की सब्जी बनाएंगे ना तो वो जल्दी टूटेगी नहीं, तो मतलब बिल्कुल मैश नहीं होगी आलू आपकी कढ़ाई में जाने के बाद, वो साबुत रहेगी जो देखने में अच्छा लगता है। सब्जी को आलू को मैंने यहाँ स्क्वायर करके काट लिया है, और उसको मैं अलग अलग करके कर लूंगी, क्योंकि आलू ठंडी है तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। आलू कट करने के बाद फटाफट से सब्जी और खाना बना के मैं अपना तैयार कर दूंगी, खाना बना बन जाता है मेरा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया है। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है, और ये है रोटी, और ये है दाल, मिक्स दाल है ये, और इसके बाद है आलू टमाटर और मटर की सब्जी जो मैंने बनाई है। तो यही है मेरा आज का डिनर, और दिवाकर जी अपना डिनर करके सो चुके हैं, और डुगू जो है, और डुगू और मैं डिनर करेंगे। नहीं रो, आओ 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 आओ, चलो आओ बेटा, आओ आओ, ये लो देखो मैंने घी लगा दिया आपकी रोटी में, आओ आओ, ये लो फोन लोगे, और ले लो पहले ये फिनिश करो, हाँ आ करो। बहुत ही फायदेमंद है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ
अरे मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, कुछ बता रही हूँ। क्या? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हूँ। सही? हाँ हाँ। कैसे मालूम? कैसे मालूम मतलब? मुझ पे भरोसा नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है। हाँ अच्छी बात है। तो कैमरे भी क्यों बोल रही है? सबको बताने के लिए। सही है? सही है। ठीक है चलो। मालूम क्यों चला? कल कॉन्सलेशंस आपको भी। चलो ऑफिस चलो, अब भागो, चलो टिफिन उठाओ। पैक कर दिए टिफिन। ये रे, ये इसमें अंदर डालोगे ना इसको? क्या इसमें? क्या दो चीज डालो क्या? हाँ इसमें सब्जी है और एक और सब्जी है और रोटी है और चने हैं। ये बाय। आराम से जाना, पहुंच के फोन कर देना। सो गाइस फाइनली मैं आपके सामने नहा धो के आराम से बैठ चुकी हूँ और दिवाकर जा चुके हैं ऑफिस। डुगू फ्रिज खोल के कुछ हर्षी पी रहा है। हाँ अभी चिज्जी पापा लेके आएंगे। ओके हाँ तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। डुगू अपने में बिजी है। मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने अभी नेल पेंट्स वगैरह अपनी रिमूव कर ली हैं जो पुरानी वाली थी, और मैं न्यू नेल पेंट अप्लाई करने जा रही हूँ। और मेरे सारे नेल्स टूट गए यार, एक एक करके सब टूट गए हैं, सिर्फ एक ये बचा हुआ है और बाकी सारे नेल्स टूट चुके हैं मेरे। इस वाले हाथ के बहुत सारे टूट गए हैं, तो कोई बात नहीं, नेल्स तो आते आते रहते हैं, कोई बात नहीं। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बाय द वे आज मैं ये लगाने जा रही हूँ नायका की ये मैट वाली नेल पेंट, ब्लू कलर जो है ना। ब्लू कलर ये जो है मैट का कलेक्शन है, ये लगाने जा रही हूँ। और इसके साथ मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ तिगड़मबाजी, क्योंकि मेरा शैतानी दिमाग है ना, तो मैं ये ओन्यू की ये नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। हालांकि काफ़ी अफोर्डेबल है ये सिर्फ 100 रुपीज़ की आती है, आई थिंक 100 रुपीज़ की वो, और 110 रुपये की समथिंग का प्राइस है इसका। लेकिन बहुत अच्छी नेल पेंट लगती है मुझे ये। और ये तो खैर, ये तो ब्रांडेड है यार, मतलब सब जानते हैं, तो ये तो खैर अच्छी हो है ही, है ना। तो ये दो नेल पेंट मैं लगाने वाली हूँ आज। ओके उससे पहले एक बात कि अभी मैंने दिवाकर डुगू पनीर मांग रहा है, पनीर दे दूँ उसे, रुक जाइए पहले। तो डुगू को मैंने पनीर दे दिया है, वो थोड़ा पनीर खाने में बिजी हो गया। हाँ तो आज सुबह जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने दिवाकर से कुछ कहा। ओके मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरा जो कहने का अंदाज था ना, वो बिल्कुल सेम पनीर लग गया मेरे बाल में। ओके जो मेरा कहने का अंदाज था वो बिल्कुल ऐसे वाला था, दिवाकर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो मुझे मतलब एक बार को शॉक्ड हो गए, ये क्या बोल गई है। और उसके बाद तो उन्हें समझ नहीं आया कि कैमरे पे रिएक्ट कैसे करूं, तो वो इतना बेचैन हो गए इस बात को लेके। तो उन्होंने मुझे आधे रास्ते में बाइक खड़ी करके वहां से कॉल किया और कहते हैं, अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही बात बता रही हूँ आपको, कहते हैं कि जो तुमने बोला ये मोबाइल ऑन करके सबके सामने, ये तुम सही बोल रही थी। मैंने बोला आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं है। मैंने कहा बताती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने उनसे उसके बाद जो कहा वो अलग चीज़ है, आपकी बात से जो शेयर कर रही हूँ वो अलग है। काफ़ी लोग, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से कह रहे हैं कि यू आर अ प्रेग्नेंट, कोई खुशखबरी है क्या, कुछ है क्या? तो मैं सभी को बता दूँ कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट प्रेग्नेंट गाइज, नॉट प्रेग्नेंट। और अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो जाहिर सी बात है, एक प्रेगनेंसी ही ऐसी चीज़ है जो छुपाने से भी नहीं छुपती, वो दिख ही जाती है। तो खैर ये छुपाने वाली बात ही नहीं है,
अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आगे से आगे बढ़ के आपको बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है। कुछ एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा मुझसे कि आप प्रेग्नेंट हो, आप खुशखबरी है। तो वो रीज़न ये था कि मेरा मोटापा जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको उनको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि मुझे इन दिनों कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि कभी कभी मेरे गले में दर्द होना बैक साइड पे, और अचानक से बुखार चढ़ जाना, वेट का ये अचानक इस तरीके से बढ़ना। तो ये सब सिंबल्स हैं किसी एक चीज़ के। एक्चुअली ये स्ट्रांगली थायराइड के थोड़ा सा मुझे करीब लेके जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो कॉल आ गया था, मैं उस पर चली गई थी। हाँ, तो बस यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा अभी वेट गेन कर रही हूँ, बट मैं अभी तो नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आफ्टर दिस फेस्टिव सीजन, मीन्स लाइक दिवाली, करवा चौथ, दिवाली, इन सब चीज़ों के बाद डेफिनेटली मैं हाँ, डेफिनेटली मैं जिम वगैरह ज्वाइन कर लूँगी, एंड देन मेरा वेट फिर से आउट ऑफ कंट्रोल जो जा रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर से कॉल आ गया है यार, ओह माय गॉड, रुक जाइए। जी हाँ, तो कॉल चला गया, और मैं अभी फिर से बता दूँ, मैं अपना वेट आफ्टर दिस फेस्टिव सीजन गाइस मेंटेन कर लूँगी, और फिर से मैं स्लिम ट्रिम टाइप थोड़ी सी हो जाऊंगी। ओके, और माय मूड सो 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 अच्छा वाला है। एक्चुअली बस यही सब चीज़ें। और यार कल मैंने कुछ एक चीज़ें खरीदी थी करवा चौथ के लिए, दिखा दूँ कल वाली चीज़ तो दिखाई देती हूँ, बाकी तो सब बाद में दिखाती रहूँगी, रुक जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है मैंने करवा माता की फ़ोटो, जो कि हम सभी लेते हैं। ओके, तो ये मैं हर साल की करवा माता की फ़ोटो अपनी मंदिर में रखती हूँ, और इनकी रोज़ पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी भी आप मेरा मंदिर देखेंगे ना, तो वहाँ पे दो करवा माता की ऑलरेडी फ़ोटो है। तो कभी मुझे ये लगता है, क्यों करती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि हस्बैंड के लिए एक दिन भगवान से पूजा करने से शायद कुछ नहीं होगा। अगर हम पूजा करते हैं तो रोज़ हमें ईश्वर से प्रे करते रहना चाहिए, इनसे इनसे रोज़ प्रे करना चाहिए कि आप मेरा जो भी मेरे जो भी हस्बैंड हैं और जो भी जीवन साथी हैं वो सलामत रहें, और इवन मेरे बाद भी रहें, उनके सामने मैं ना रहूं लेकिन मेरे सामने हमेशा वो रहें। तो इसलिए मैं इनकी जब भी पूजा करती हूँ तो इनकी भी पूजा करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है करवा। तो ये करवा लिया है मैंने, जो कि पैक्ड है, और आजकल तो इसी तरह के करवा चल रहे हैं, बहुत डेकोरेट टाइप, तो मैंने ये करवा लिया है एक। और इसके अलावा मैंने लिया है एक नेकलेस, जो कि उस टाइम मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, मतलब महंगा लग रहा है थोड़ा सा यार। ओके, सो इस तरह के बॉक्स में है ये। ओके, लुक्स सो प्रिटी यार, बहुत एलिगेंट है ये, बहुत ही यूनिक है, मतलब अभी न्यू डिज़ाइन आप बोल सकते हो इसको। कुछ जब मैंने इसको वेयर किया था वहाँ पे, तो आई फील लाइक क्वीन ऑफ द दिल्ली, नॉट वर्ल्ड। ओके, तो मुझे कुछ वैसा फील हो रहा था। एंड इसको मैं आपको दिखाऊं अगर अंदर से, तो वैसे दिखाई देती हूँ, छोड़ो। ऐसा लग रहा है कुछ ये। तो एक मैंने ये लिया था, अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ आपको तो इसका प्राइस है 1180 रुपये। तो थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, बट कभी कभी तो ले लेना चाहिए ना, रोज रोज तो कौन सा मैं लेती हूँ ये सब चीज़ें, बट कभी कभी लेनी है तो ठीक है, इट्स ओके, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैंने ली है एक साड़ी। ओ ओ ओ हाँ, मैंने ली है ये साड़ी। आप सोचेंगे इतनी सिंपल साड़ी मैंने क्यों ली है और क्या करूँगी इस साड़ी का मैं, तो ये मेरे हिसाब से सिंपल है, लेकिन जिनको मैं देने वाली हूँ उनके हिसाब से सिंपल नहीं है ये। ओके, तो ये इसका पेटीकोट है,
क्या होता है कि जब भी हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो अपनी सास की, जैसे सास की या अपने घर में जो भी सबसे बड़ा होता है उसके लिए एक थाली बना के रखते हैं। हालांकि बहू के लिए भी आता है ये सास की तरफ से, बट मेरी सास यहाँ रहती नहीं है तो आप सभी को पता है कि उनकी तरफ से नहीं आ सकता है, तो उनकी तरफ से नहीं आया है। और लेकिन जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मुझे उनके लिए साड़ी खरीदनी होती है, तो मैं करती क्या हूँ कि मैं करवा चौथ पे जो साड़ी उनके लिए निकालती हूँ ना, मैं जाते वक्त, घर जाते वक्त वही साड़ी उनके लिए लेके जाती हूँ। दुख नहीं करो, तो ये साड़ी आप बोल सकते हो कि मैं अपनी सास को देने वाली हूँ। नहीं करो डुगू, एक मिनट बेटा, ओके मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से कि साड़ी देखने में कैसी है। साड़ी लुक गुड बिकॉज माय मदर इन लॉ इज टू ओल्ड, मतलब बहुत मतलब आप बोल सकते हो बुजुर्ग हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी बुजुर्ग हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो उनके हिसाब से साड़ी काफ़ी 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 ज़्यादा ठीक रहेगी। जैसे कि ये इसके यहाँ पे कुछ काम है और ये साड़ी जॉर्जेट में मिक्स है, बिल्कुल जॉर्जेट तो नहीं है, मिक्स है और बहुत ही लाइट वेट है, सो अच्छा लगेगा। और उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा फेयर है तो ये उनके ऊपर जाएगी अच्छे से, क्योंकि जब भी हम उनको कुछ हैवी दे देते हैं ना तो वो यहाँ वहाँ बांट देती हैं, तो मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम के साथ ऐसा रहा है कि मैं उनको कुछ देती हूँ तो मैंने कभी नहीं देखा उनको कि उन्होंने वियर किया हुआ है, उन्होंने पहना है, जस्ट बिकॉज कि वो उनके टाइप का नहीं होता है। वो हम अपनी तरफ से अच्छे के चक्कर में बहुत अच्छा दे देते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ें दे देते हैं जिसे वो वेयर नहीं करती हैं, तो इसलिए मुझे उनको कुछ लाइट वेट देना था, सिंपल देना था जो वो डेली वेयर में या कैसे भी वो वेयर कर सकें, तो दैट्स वाई मैंने ये साड़ी ली है उनके लिए। और इसका ब्लाउज जैसे सबको पता है कि साड़ी के अंदर ही होता है, तो ब्लाउज के अंदर ही है, पेटीकोट इसका ग्रीन कलर का ये रहा कपड़ा है, अपने आप से देख लेंगी वो कैसे सिलवाना है क्या करना है। तो यही लिया था मैंने कल मार्केट में, और थोड़ा बहुत जो सब्जी उब्जी का सामान लिया था वो सब लिया था, ठीक है ना। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग, आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय।